तो गाइस स्वागत है आपके मेरे चैनल एचएन यूके पर। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो यार रात के बज रहे हैं अभी 2:30 और मैं ना ये बुक पढ़ रहा था और भाई बहुत तगड़ी बुक है। तो उसके बाद मैंने सोने की कोशिश करी, मेरे को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि जब मैं यूके आ रहा था इंडिया से तो काफ़ी ऐसी चीज़ें थी, ऐसे पॉइंट्स थे, ऐसे टॉपिक्स थे जिनके ऊपर मैं वीडियोज़ देखता था और सोचता था इन पर वीडियोज़ होनी चाहिए, बनानी चाहिए। तो वही मेरा क्रिएटिव माइंड दौड़ रहा था, तो मैंने उठाई अपनी कॉपी और इसमें लिख लिए सारे पॉइंट्स। तो ये वीडियो इसी बारे में होने वाली है कि अगर तुम यूके आ रहे हो सितंबर इनटेक में, जनवरी इनटेक में इंडिया से, या फिर प्लान कर रहे हो आने का, तो क्या क्या चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स, फाइलिंग, हर चीज़, LOR, SOP, सारी चीज़ें जो होने वाली है ना, ये इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और यार नीचे चलते लिविंग रूम में आराम से बैठ के बात करेंगे। रूम में थोड़ा ऐसे ही लग रहा है और फिर पूरी सिंह और मैं कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। मेरा इंस्टाग्राम है रैचिन यूके, यहाँ मेंशनड होगा, वहाँ पे जाके तुम चेक कर सकते हो। मैं रील्स वगैरह भी बनाता हूँ एंटरटेनिंग पर्पस के लिए, तो वहाँ पे भी बढ़िया रीच है। और यहाँ पे मैंने सोचा लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में ही तुम्हें यूट्यूब पे बढ़िया इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि 30 सेकेंड में, 1 मिनट में क्या ही इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। तो अब सीधी सीधी बात करते हैं कि अगर तुम यूके आ रहे हो पढ़ने के लिए किसी भी पार्ट में यूके की कोई भी कॉलेज में, तो एक प्रोसीजर होता है, एक स्टेप्स होते हैं जो तुम फॉलो करते हो, जो मैंने भी फॉलो करे थे। तो जब मैं यूके आ रहा था यार, मैं बहुत सोचता था चीज़ों को लेके कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। मैं चाहता था कि हर चीज़ मैं खुद से करूँ सो दैट बेस्ट पॉसिबल वे में हूँ। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आगे हम, मैं वीडियोज़ बनाने वाला हूँ पूरी प्लेलिस्ट फॉर्म में, तो हर एक पॉइंट को डिटेल में कवर कर पाऊँ। इसलिए मैंने ऐसा सोचा कि सीरीज़ के फॉर्म में बनाऊँगा। अगर मैं एक वीडियो में बनाता तो भाई वो ना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और सारे पॉइंट्स अच्छे से कवर नहीं हो पाते। तो मैं जितने भी अब पॉइंट्स और जितने भी टॉपिक्स बताऊँगा उन सब पे एक एक करके वीडियोज़ आएंगी और उन सबको मैं डिटेल में अच्छे से बता पाऊँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं और लोगों के और जनों के और जितने स्टूडेंट्स हैं उनके भी थोड़े ओपिनियन रिव्यूज़ वगैरह लूँ, सो दैट तुम लोगों को एक ऑनेस्ट वीडियो मिले, ऑनेस्ट तरीके से तुम्हें पता लगे कि क्या चीज़ें होती है, कैसे वर्क करती है। क्योंकि मुझे पता है जो भी यू के आ रहा होगा ना, वो बहुत ज़्यादा अभी ऐसे होगा कि भाई अब क्या। क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट था जब आ रहा था ना, तब मैं भी यही था, हर चीज़ के बारे में सर्च करना वीडियोज़ के। तो इसलिए कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे जो वीडियोज़ आने वाली काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आने वाली हैं। तो यही सब चीज़ है। तो अब चलते हैं आगे, सीधे बात करते हैं। भाई ये है मेरी डायरी जिसमें मैं सारी स्क्रिप्ट लिखता हूँ। हाँ तो देखो, सबसे पहली चीज़ क्या होती है जब तुम आ रहे होते हो, तुम्हें सबसे पहले एक कॉलेज ढूंढना होगा या यूनिवर्सिटी ढूंढनी होगी और एक कोर्स ढूंढना होगा। अब तो मेन पॉइंट ये क्या आ जाता है, हाउ टू फाइंड द बेस्ट कॉलेज एंड बेस्ट कोर्स या फिर बेस्ट यूनिवर्सिटी इन यूके। तो पहली वीडियो जो हमारी आएगी उसी चीज़ को लेके आएगी कि हाउ टू फाइंड कोर्स, और फिर उसके बाद शॉर्टलिस्ट कैसे करेंगे हम, एक एक्सेल शीट बनाएंगे, सारी यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिखेंगे, देन एक्सपेंस लिखेंगे, फीस लिखेंगे, लोकेशन लिखेंगे, सारी चीज़ें मैटर करती हैं। उसके बाद 1, 2, या 5 यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करेंगे और एप्लीकेशन करेंगे, तो पहला पार्ट वो हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा पार्ट, दूसरी वीडियो की यार डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं हमें अप्लाई करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज में। सो एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो हमें चाहिए होती हैं, वो सारी उसी वीडियो में हम कवर करेंगे प्रॉपर डिटेल में। तो वो वीडियो आएगी कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर टू अप्लाई फॉर यूनिवर्सिटीज़। देन उसके बाद जब तुम अप्लाई कर रहे होते हो ना, तो तुम्हें एक चाहिए होता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी कॉलेज जो तुम बैचलर्स में किया होता है, या फिर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम योर स्कूल। तो उसका फॉर्मेट होता है एक, वो कैसे लिखना होता है खुद से, ठीक है। तो उसके ऊपर मैं पूरा बताऊंगा कि मैंने क्या लिखा था, मैंने अपने 3 LOR क्या बनाए थे, कैसे खुद से लिखे थे। तो मैं तुम्हें वो टेम्पलेट भी दूंगा प्रॉपर, तो तुम लोग एक आइडिया ले सकते हो कि LOR में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं जिससे इंप्रेशन ज़्यादा पड़ता है यूनिवर्सिटी में जब तुम एप्लीकेशन डालते हो, ठीक है। फिर उसके बाद LOR होता है, उसके बाद एक चीज़ होती है SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या होता है कि तुम पढ़ने क्यों आ रहे हो, तुम्हारे पर्पस क्या है, आगे क्या करोगे फ्यूचर में, ये वो। तो उसका भी एक क्राइटेरिया होता है, क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो वो पूरा बताऊंगा कैसे क्या लिखना होता है, ठीक है, और मैंने क्या लिखा था वो भी तुम्हें दिखाऊंगा, तो वो तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा, वो भी एक वीडियो आएगी।
फिर उसके बाद ये सब तुम डालोगे, फिर तुम रेज्यूमे अपलोड करते हो साथ में तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स में कि रेज्यूमे कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, रेज्यूमे क्या क्या एक फॉर्मेट होता है। तो मैं तुम्हें अपना पूरा रेज्यूमे दिखाऊंगी कि मैंने क्या डाला था कोवेंट्री या फिर दूसरी जो यूनिवर्सिटीज अप्लाई करी थी वो भी बताऊंगा। तो तुम्हें रेज्यूमे भी दिखाऊंगा और कहाँ पे बनाया था, कैसे बनाया था, कौन सा ऐप यूज़ किया था, वो सब बताऊंगा तुम्हें उस वीडियो में। तो वो भी डिटेल्ड वीडियो होगी, बहुत डिस्क्रिप्टिव और बहुत इन्फॉर्मेटिव। देन उसके बाद तुम घर पर हो तो तुम्हें एक कनेक्शन बनाना होगा इंटरनेशनल स्टूडेंट से, तो वो भी बताऊंगा कि तुम घर बैठे बैठे तब तक के लिए ये सब प्रोसेस चल रहा है तो इंटरनेशनल स्टूडेंट से कैसे कनेक्ट कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो लाइफ के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में, एक्सपेंसेस के बारे में। तो वो भी एक वीडियो बताऊंगा कि कैसे कैसे कहाँ पर तुम लोग उनको ऐसे मैसेजेस कर सकते हो या फिर आउटरीच कर सकते हो मेल या फिर इंस्टाग्राम पे, जो जो तरीके होते हैं वो सब बताऊंगा। ठीक है, प्यास लग रही है भाई। फिर तुमने अप्लाई कर दिया, ये सब अप्लाई वो कर दिया, एप्लीकेशन लगा दी। अब एप्लीकेशन तुम्हारी हो गई एक्सेप्ट, तुम्हें आएगा एक कंडीशनल ऑफ़र लेटर। तो कंडीशनल ऑफ़र लेटर में ना कंडीशन लिखी होती हैं काफ़ी ज़्यादा, मतलब डिपेंड करता है तुम्हारी प्रोफाइल पे, ज़्यादा अच्छी प्रोफाइल होगी तो कम कंडीशन होंगी। तो कंडीशनल ऑफ़र लेटर आने के बाद क्या क्या चीज़ें करनी होती है, कैसे करनी होती है वो बताऊँगा। और मेरा जो ऑफ़र लेटर आया था कंडीशनल कोवेंट्री यूनिवर्सिटी से, वो भी तुम्हें दिखाऊँगा कि उस पर क्या क्या लिखा था और मैंने उसके बाद क्या करा। तो वो एक वीडियो होगी कि उसके बाद क्या करते हैं। ठीक है, अब तुमने ऑफ़र लेटर के बाद कंडीशंस वगैरह फुलफ़िल कर दी, तो उसमें एक कंडीशंस होती है प्री कैश इंटरव्यू। तो उसके लिए मैं तुम्हें बताऊंगा इस वीडियो में कि प्रिपेयर कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे कंडीशंस होती हैं, क्या कंडीशंस, क्या क्वेश्चंस आते हैं, पूरा डिटेल होगी। क्योंकि प्री कैश इंटरव्यू बहुत मेन होता है, एक मेन पार्ट होता है हमारे पूरे इस एप्लीकेशन प्रोसेस का, वो क्लियर होना। तो उसकी मैं तैयारी भी करवाऊंगा तुम्हें, उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहाँ पे जाके तुम काउंसलिंग बुक कर सकते हो, बहुत ही मिनिमल चार्जेस तुम्हारे लिए रखूँगा। तो उसको जाके बुक करना और तुम्हें मैं इंटरव्यू के लिए पूरा अच्छे से प्रिपेयर करवाऊँगा, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैंने क्या क्या पर्सनली आंसर्स दिए थे, क्योंकि मेरा 3 बार इंटरव्यू हुआ था। तो वो तुम्हें पूरा अच्छे से ट्रेन कराऊँगा मैं, और उस वीडियो में प्रॉपर तुम्हें एक फॉर्मेट बताऊँगा कि क्या होगा। ठीक है, थक गया, 2 मिनट बाद मिलते हैं। हाँ तो यार, कॉन्टीन्यूसली बोलते बोलते मैं भी थोड़ा प्यास व्यास लग गई थी। तो मैं भी बता देता हूँ कि अभी तक क्या पॉइंट्स कवर कर लिए हमने, टॉपिक्स वो है कि पहला हाउ टू गेट इनटू यूनिवर्सिटी कोर्स कैसे चूज़ करते हैं, सेकेंडली डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं, थर्ड LOR क्या होती है, कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, फोर्थ SOP क्या होती है, कैसे लिखते हैं, क्या फॉर्मेट होता है, उसके बाद रेज्यूमे क्या फॉर्मेट होता है, कैसे बनाते हैं अच्छा रेज्यूमे जो तुम्हारी प्रोफाइल पे लगे अच्छी, सिक्स्थ की फ्रेंड से या फिर लोगों से कैसे कनेक्ट करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट से, देन सेवन्थ तुम्हारा ऑफ़र लेटर आ जाता है कंडीशनल, तो उसके बाद कैसे क्या करना होता है, क्या क्या कंडीशंस लिखी होती हैं और कैसे एक फुलफ़िल करनी होती है, एट्थ हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर प्री कैश इंटरव्यू, क्या क्वेश्चंस आते हैं, कैसे ट्रेनिंग लेनी है। ओके, अभी तक ये हमने कवर कर लिया, अब नेक्स्ट चलते हैं 9th पॉइंट पे। 9th टॉपिक हमारा होने वाला है कि मेडिकल एग्ज़ाम फॉर UK वीज़ा। तो UK वीज़ा जब तुम अप्लाई करते हो तो उससे पहले तुम्हारे एक मेडिकल एग्ज़ाम होता है जिसमें बेसिकली TV टेस्ट होता है। तो उसको कैसे बुक करते हैं, क्या चार्जेस होते हैं, सब मैं तुम्हें उस वीडियो में बताऊंगा डिटेल्ड। ठीक है, फिर उसके बाद 10th पॉइंट होगा तुम्हारा कैश आ जाएगा। ठीक है, कैश आएगा तो तुम्हें कैश के आने के बाद क्या करना है, ये मेन होता है कि बच्चों का कैश आ जाता है, खुश हो जाते हैं, तो कैश के आने के बाद क्या करेंगे। ठीक है, उसके बाद हाउ टू शो फंड्स एंड फीस फॉर कैश। कैश में ना कंडीशंस होती हैं फीस दिखाने की, तो कैसे क्या लिविंग एक्सपेंस दिखाना होता है, फीस दिखानी होती है, कितनी फीस भरनी होती है। तो उस वीडियो में प्रॉपरली मैं अपना एक्सपीरियंस अपने ऑफर लेटर को लेके तुम्हें प्रॉपरली लाइव दिखाऊंगा कि मैंने ऐसे ऐसे किया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो होगी उसके बाद 12th वीडियो कि वीज़ा जब तुम अप्लाई करोगे, तो ये मेन पार्ट होता है, सबसे लास्ट क्रूशियल पार्ट होता है जब तुम वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हो, तो उसका प्रॉपर एक बड़ा सा फॉर्म होता है। मे बी अगर तुम किसी एजेंट या कंसल्टेंट के थ्रू कराओगे तो वो तुम्हारे लिए फिल करेगा, पर वो बहुत क्रूशियल पार्ट होता है, तो तुम साथ में बैठ के कराना। अगर एक भी मिस्टेक हो गई ना गाइस, तो लेने के देने हो सकते हैं। तो उस वीडियो में प्रॉपर हम डिस्कस करेंगे कि उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं और कितने पैसे भरते हैं तुम लोग, कितने मतलब पैसे भरने होते हैं तुम्हें वीज़ा के, अपने हेल्थ के, हर चीज़ बताएंगे उस वीडियो में। ठीक है, देन उसके बाद आएगा पार्ट कि बायोमेट्रिक्स, तुम UK VI के लिए जब वीज़ा के लिए बायोमेट्रिक्स देने जाओगे तो तुम्हें कैसे क्या करना होगा, बायोमेट्रिक्स दोगे उसके बाद वीज़ा कब आएगा, कैसे आएगा, तो उस वीडियो में प्रॉपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर तुम्हारा वीज़ा आ जाएगा,
कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, अभी से ही जिनका वीज़ा आने वाला है या फिर आएगा, तो वीज़ा आने के बाद कुछ स्टेप्स होते हैं जो तुम्हें करने होते हैं, पोर्टल वगैरह पे अपलोड करना होता है, कुछ लोग भूल जाते हैं तो बार बार ना रिमाइंडर आता है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। यूनिवर्सिटी के साइट पे अपलोड जरूरी करना होता है इनरोलमेंट से पहले, यहाँ आने से पहले, तो वो भूल जाते हैं हम सब पैकिंग और सब में ना, तो वो मैं वीडियो बना दूंगा जिससे तुम लोग अच्छे से देख पाओ कि क्रूशल स्टेप है वीज़ा आने के बाद क्या करना होता है। फिर लास्ट दो चीज़ें, एक तो लोगों के बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि यार कॉस्ट ऑफ लिविंग इन यूके, कॉस्ट ऑफ स्टडिंग इन यूके ओवरऑल क्या बनता है, तो मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो को हम पहले डाल देंगे कि टोटल एक्सपेंस तुम्हारा फीस को, लिविंग एक्सपेंस को मिला के, हर चीज़ को मिला के ना कितना बनेगा, कितना तुम्हारा पैसा मोटा मोटा लग जाएगा, हर चीज़ की मैथ कैलकुलेशन बना के ना तुम्हें दिखाऊंगा उस वीडियो में कि मोटा मोटा तुम्हारा इतना पैसा लगेगा ही लगेगा अगर तुम यूके आना चाह रहे हो, ठीक है। एक्सक्यूज मी, और लास्ट वीडियो, अब तुम्हारा वीज़ा आ गया, सब कुछ फाइनल हो चुका है, बस तुम्हारी ट्रैवल टिकट तुमने बुक कर दी है, लास्ट चीज़ एक बचती है, रहोगे कहाँ पे, अकोमोडेशन भी तो बुक करनी है ना, तो उस पर भी मैंने वीडियो बना दी है, मैं दोबारा से एक वीडियो बनाऊँगा कि अकोमोडेशन बुक कैसे करनी है, उसमें मैं तुम्हें करके दिखाऊँगा, तो उसका जो लिंक है अकोमोडेशन बुक करने का वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया है एम्बर स्टूडेंट्स का, तो एम्बर स्टूडेंट जो प्लेटफॉर्म है वो एक स्टूडेंट अकोमोडेशन प्रोवाइडर है जो 1 मिलियन प्लस बेड्स हैं उनके उनके प्लेटफॉर्म पे, 20,000 प्लस प्रॉपर्टीज़ 200 से ज़्यादा सिटीज़ में हैं वर्ल्ड वाइड, यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इटली, तो वहाँ पे जाओ, नीचे लिंक दिया है क्लिक करो, वहाँ पे फॉर्म खुलेगा, फॉर्म में अपनी डिटेल्स भरो, जो एग्जीक्यूटिव है तुम्हें कॉल करेगा, ठीक है, उसका कॉल आएगा, तुम उसको अपनी प्रेफरेंसेस बताओ, बहुत हेल्पफुल होते हैं, तो तुम उनको प्रेफरेंसेस बताओ, अपना बजट बताओ, अपनी लोकेशन, जो भी फिल्टर्स हैं बता के वो एक लिस्ट ऑफ ऑप्शंस प्रोवाइड करेगा, उसमें से शॉर्ट लिस्ट करो जो अकोमोडेशन तुम्हें बढ़िया लग रही है, देन फाइनलाइज कर दो, फाइनलाइज करने के बाद एग्जीक्यूटिव विल टेक केयर ऑफ ऑल द पेपर वर्क वगैरह जो होगा, और बस तुम उसके बाद चिल करके बैठ जाओ आराम से, और अकोमोडेशन बुक हो जाएगी आने से पहले। तो ये वीडियो एक दोबारा से किसी अकोमोडेशन टूर के बारे में बना दूंगा तुम लोगों के लिए। थक गया। फिलहाल के लिए तो इतना ही है सोचा है मैंने, जो बाकी जो जो आइडियाज़ आएंगे, देखो रात को बहुत खुराफाती दिमाग चलता है तो मैं बता दूंगा तुम लोगों को हर वीडियो में, पर हर वीडियो को पूरी पूरी देखना क्योंकि इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर तुम लोग यूके या कनाडा भी जा रहे हो ना, या फिर तुम्हारा कोई दोस्त जा रहा है, उसको वीडियो भेजना, क्योंकि जब तुम लोग आ रहे हो तो ना बाहर काफ़ी चीज़ें हमें, मेरे को भी नहीं पता थी यार, मैं काश कर लेता पहले, तो मैं उनके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें तुम्हें इंडिया से पैक करके लानी चाहिए, ठीक है, क्या क्या चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें तुम्हें एडवांस में कर लेनी चाहिए यहाँ यूके आने से पहले, ठीक है, मेन चीज़ें जो तुम्हें लिस्ट बनानी होती है पैकिंग की, हर चीज़ बताऊँगा, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कैसे पैक करने हैं, तो ये सब वीडियोज़ आती रहेंगी क्योंकि अब सेप्टेम्बर इनटेक आने वाला है और बच्चों को बहुत ज़्यादा इन वीडियोज़ की ना नीड होगी। ऑलरेडी बहुत यूट्यूब पर वीडियोज़ हैं, कोई बात नहीं यार, मैं अपने तरीके में बनाऊँगा, उनका अपना तरीका है, सब अपने अपने तरीके से इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो जो तूने वीडियोस डाल रखी हैं जो बच्चे आ गए भाजी, आप कहाँ से आ गए, कांग्रेचुलेशंस बोल दे, और अपना वो बता दे ना, तूने बीआरपी, एलओआर, एंगेजमेंट जो तूने सब बता दिए जो आ चुके हैं, हाँ। वो ऑलरेडी तेरे पेज पे है ना शायद, हाँ, हाँ, हाँ। तो यही भाजी ठीक बोल रहे हैं, थैंक यू भाजी, माय सेवियर, पीछे जाओ, वहीं अच्छे लग रहे थे अभी। तो भाई हम लोग ऐसा टीम काम कर रहे हैं, तुम लोग ना इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हो, रैच इन यूके रेदेपाल, ठीक है, बढ़िया कंटेंट आता है और बहुत इन्फॉर्मेटिव कंटेंट भी देने वाले हैं आगे टाइम पे, अभी हम थोड़ा ना एंटरटेनमेंट करा रहे हैं लोगों का, जिससे लोग भी थोड़ा हाँ हंस लें यार, सब बच्चे आए हैं यूके, थोड़ा कॉमेडी बनती है। हाँ तो पाजी जैसे बोल रहे थे, मेरे चैनल पे ना ऑलरेडी जो जैसे यूके आ रहे हो तुम लोग अगर सेप्टेम्बर में, तुम्हारा सब कुछ हो चुका है या मई में आ रहे हो, उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है लैंड होते ही, तो वो भी मैंने पहले दिन से ना, वो तो प्रॉपर लाइव व्लॉग्स हैं कि मैं जैसे जैसे जो जो चीज़ कर रहा था ना, मैंने सब वीडियो में कवर करी है, जैसे जब बीआरपी लिया, स्टूडेंट आईडी ली, एनआई, मतलब जो जो चीज़ें थी ना सब कवर कर चुका हूँ, तो वो चैनल में है, डिस्क्रिप्शन में भी सबके लिंक डाल दूंगा और चैनल में भी तुम जाके देख सकते हो, पहले 4-5 वीडियोस वही है, तो वो देखो तुम्हें पता लग जाएगा कि अगर, और बेसिकली अगर तुम कमेंट्री आ रहे हो ना, तुम्हें तो दिमाग में नक्शा बन जाएगा क्योंकि मैंने प्रॉपर हर चीज़ कवर करी है कि यहाँ पे ये मिलेगा, यहाँ पे तुम्हें जाना है बीआरपी कलेक्ट करने के लिए, यहाँ पे आईडी लेने जाना है, आईडी लेने के बाद ये करना है वो करना है, तो हर चीज़ तुम्हें पता लग जाएगी, और तुम जब आओगे ना तुम्हें अरे मेरे को तो पता ही था, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं आया था मैं ना थोड़ा पूछ के कर रहा था काम, पर तुम लोग अगर वीडियोज़ देख लोगे तो तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा, कुछ पूछने ही नहीं पड़ेगा, बाकी हम लोग तो हैं यहाँ पे, मैसेज करना हमें, मिल लेंगे तुमसे, बढ़िया फिर चिल करते हैं।
पाजी ब्लॉग को एंड कर दो यार, आ जाओ, थक गया मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ। ये चुईया कौन? गाइस जो प्लान है पूरा वो सब कुछ हम कर रहे हैं जिससे आप लोग इन्फॉर्म्ड रहो, सतर्क रहो कि बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं, उन सबसे बचते रहना। तो रचदर में मिलके आपको हर एक स्टेप, हर एक चीज़ को ढंग से बताएंगे, और देखते रहना और चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, अपने दोस्तों में शेयर करो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बनने वाले हैं। आई नो इट्स कई बार तुम दोस्तों को छोड़ के आ रहे हो, वो भी दुख होता है, बट हमें हर फैमिली को छोड़ के आ रहे हो, तो पार्ट टाइम जॉब कैसे क्या सब कुछ आने वाला है। और इंस्टाग्राम पे तो अभी कुछ बढ़िया कंटेंट लाने वाला हूँ जॉब्स को लेके, तो शेयर करो दोस्तों को अपने, प्यार बरसाए रहो। और अच्छा लगता है लोग मिलते हैं ना को एंट्री में, आजकल लोग कहते हैं कि हाँ तुम्हारी रील देखी, तुम्हारी वीडियोज देखी, अच्छा लगा, तो हमें भी अच्छा लगता है और वो लोग हमारा कंटेंट शेयर करते हैं, देखते हैं, तो उस चीज़ के लिए भी थैंक यू। बाकी व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और अब थोड़े टाइम तक ऐसा इन्फॉर्मेशन वाला कंटेंट आ जाएगा जो तो मेरी पुरानी पर जो मेरी पुरानी ऑडियंस है उनको लगता है मैं घूमने वाला कंटेंट डालूंगा, वो भी आएगा, पर पहले थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूं, 10-12 दिन की बात है, उसके बाद मस्त घूमेंगे, ठीक है। तो ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, अपना ऐसे प्यार बरसाते रहना, खुश रहना हमेशा, और बढ़िया अपने घर वालों को प्यार दो, अपने भगवान को याद रखो। दैट्स इट, चंगा फिर मिलते हैं दोनों अगली बारी, बाय। Cheers, mate. You're right, isn't it? भाई नींद आ रही है, अब नींद आ गई।